अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपको तंदूरी बिरयानी की रेसिपी दूंगी जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती हैं। तो चले आएँ, अब हम इसको बनाना शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरे पास 1.5 किलो चिकन है, इसको मैंने ब्रिक ब्रिक कट्स लगा लिए हैं। और अब एक ब्रश की मदद से आपने ये फूड कलर लगाना है इन पीसों पर। ये देखें जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। तो व्यूवर्स, ये मेरे पास दो तरह के फूड कलर हैं। ये मैंने इधर इस्तेमाल किया है येलो और रेड, ये दोनों को मिलाकर मैंने ये फूड कलर तैयार किया है जो मैं इन पर लगा रही हूँ पीसों पर। तो आपने इन पीसों पर ये अच्छे तरीके से अप्लाई कर देना है। ये देखें इसी तरह आगे से भी और पीछे से भी तमाम चिकन पर आपने ये अच्छे तरीके से लगा लेना है। तो व्यूअर्स, आप जो इसमें मसाले जाएंगे वो मेरे पास है नमक 1/2 टीस्पून, और ये मेरे पास रेड चिली है 1/2 टीस्पून। और अब मेरे पास है ये 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और ये मेरे पास है तंदूरी मसाला, ये मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं। ये अच्छे से आपने इस गोश्त पर लगाने हैं। ये 1/2 टीस्पून मेरे पास ब्लैक पेपर है, और ये है हर्षक धनिया 1/2 टीस्पून। और अब मैं इस पर ऐड करूंगी दही 1/2 प्याली, और अच्छे से आप एक चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, और अब मैं इसको अपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मसाले को अच्छी तरह गोश्त पर लगा लूँगी। तो हाथ मेरे साफ हैं, ये देखें जिस तरह मैं अपने हाथों की मदद से गोश्त पर अच्छे से मसाला लगा रही हूँ, इसी तरह आपने भी लगाना है। और अब मेरे पास है ये फूड कलर थोड़ा सा, ये मैंने ऐड किया है जो बचा हुआ था। और अब मैं इसको मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 2 से 3 घंटे रख दूंगी फ्रिज में। जब 2 से 3 घंटे गुजर जाएंगे तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखें हमारा जो गोश्त है ये मैरिनेट हो चुका है। अब मैंने एक कढ़ाई में ये मैंने ऑयल डाल दिया है, और ये सारे जो पीसेस मैंने जिनको मसाला लगाया था वो मैं इधर रख के इसको ऊपर से ढक दूंगी ताकि ये स्टीम में पक जाए। ये मैं सारे ऐड कर रही हूँ। तो अब मैं इसमें इसको तकरीबन लो फ्लेम पे 10 मिनट के बाद चेक करूँगी। मैंने इसको गलने के लिए रख दिया है, और ये मैं चावल बॉयल करने लगी है। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा इस्तेमाल किया है, और 1/2 टीस्पून मैंने सौंफ डाली है, और ये तेज़पात है मेरे पास, और 1 फड़ी इलायची है, 1 बादियाना फूल है, और 6 से 7 अदर लौंग हैं, और काली मिर्ची हैं थोड़ी सी साबत, तकरीबन 10 काली मिर्चें डाली हैं, ये छोटी इलायची हैं 3। ये पानी में मैंने डाल दिए, अब मैं इसको ढक दूंगी। और 1 टेबल स्पून जो है मैंने, यह हसबे ज़ायका आप नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन पीसों को भी चेक कर लेते हैं, इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, से अच्छे तरीके से पक रहे हैं, ये देखें मैंने इसको लो मीडियम पे रखा हुआ है। तो अब मैं फिर इसको ढक दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएं और इनमें कलर भी आ जाए। तो इधर जो हमारा पानी है ये उबलना बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है, मैं इसमें चावल ऐड करूंगी। तो व्यूअर्स, मैंने पानी में थोड़ा सा सिरका भी ऐड किया था ताकि जो हमारे चावल हैं ये आपस में चिपके नहीं। तो आपने अच्छे तरीके से ये सारे चावल डाल देने हैं। अब एक चम्मच की मदद से इनको हला लें और ऊपर से ढक दें। ये मैं थोड़ा सा सिरका ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 से 3 चम्मच। तो अब मैं इसको ढक दूंगी
और जो ही चावलों को उबाल आएगा फिर हम इसको निथार लेंगे। इधर जो हमारे चिकन के पीसीज हैं ये देखें व्यूवर्स, ये रेडी हो चुके हैं और इनमें कलर भी आ चुका है, ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। ये देखें अच्छे से इनमें कलर आ गया है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको साइड्स पे कर दूँगी और इस पर ऐड करूँगी थोड़ा सा कलर। ये थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाला है, वही जो बचा हुआ था रेड और येलो हमने बनाया था कलर, वो ताकि इस चिकन में खूबसूरती आ जाए। तो इधर जो हमारे चावल हैं ये बॉयल हो चुके हैं, ये देखें। अब मैं इसको निथार लूँगी किसी छन्नी में डालकर। कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया, प्याज डालूँगी। प्याज को आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये देखें हमारी जो प्याज है ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मेरे पास 2.5 टेबल स्पून है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और अच्छे से भूनने, और ये मेरे पास टमाटर हैं जो मैंने क्रश किए हुए थे 2 से 3, आप ये शामिल करें और अच्छे से इसको भूनें। ये मेरे पास बिरयानी मसाला है, वो मैंने 2 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है, ये आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगा। और ये मेरे पास तंदूरी मसाला है, ये ऐड कर रही हूँ, ये भी 2 टेबल स्पून या 3 आप शामिल कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो व्यूअर्स इसको आप अच्छे से भून लें मसाले को, और जो इसमें दही थोड़ा सा ऐड करेंगे, और जो चम्मच है मसलसल हलाएं। ये देखें माशाल्लाह, मेरे अल्लाह ताला की शान है, ये कितना खूबसूरत मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें ऐड करूंगी नमक और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो जो गोश्त हमने तैयार किया था एक छन्नी में कोला रख के उस पर ऑयल डाल के हम इसको कोले का धुआं दे देंगे। ये देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने इसको कोयले का धुआं देना है। उसके बाद आपने, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू बुखारे खुशक, ये तकरीबन 7-8 हैं। अब जो हमने चिकन तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। हमारे जो पीसीज हैं ये बहुत ही टेस्टी तैयार हुए हैं चिकन के, तंदूरी चिकन के। तो व्यूअर्स, ये जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, और वीडियो को लाइक भी किया करें, और कमेंट्स में मुझे बताया करें आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो सबसे पहले हम एक पतीले में ये चावलों की तह लगाएंगे। ये देखें जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। तो इसमें अब हम ये चिकन शामिल करेंगे। फिर हम एक चावलों की तह लगा देंगे, फिर हम चिकन शामिल कर देंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है, आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करें। और ये मैंने फूड कलर शामिल कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पुदीना, धनिया और नींबू। ये देखें कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है ये। तो ये जो बिरयानी है हमारी ये रेडी हो चुकी है, तंदूरी बिरयानी। आप घर में ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान है, सब तरीफ़ें मेरे अल्लाह ताला के लिए हैं। देखें कितनी शानदार बिरयानी तैयार हुई है। तो ठीक है, बस अल्लाह हाफिज़।